चलिए ठीक है बेटा। तो इसी रिवीजन के क्रम में जो है आज भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपने जो चैप्टर अभी पीछे पढ़ लिए हैं। फिलहाल में जो है आपको सिर्फ काव्य खंड से ही करा रहा हूं, क्योंकि गद्य खंड में तो खैर धीरे धीरे हो भी जाएगा थोड़ा सा, लेकिन काव्य खंड में जो है बहुत जरूरी है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये रिविजन के जो क्वेश्चन होते हैं इससे हमें एक एक फायदा होता है कि हमें पाठ के जो बीच बीच में जो चीजें हम कभी कभी भूल जाते हैं तो वो भी याद आ जाती है, क्वेश्चन को देख करके चैप्टर भी याद आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है ये करा गया है। तो सबसे पहला था बेटा, आपने तुलसीदास वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे जब कवि ने जो है समाज में जो है लोगों के परेशान पेट की आग की बात की थी, कि लोग जो है पेट की आग के लिए परेशान है, सब जो है चापलूसी करने में लगे हुए हैं, अपने बेटा बेटी को तक पेट की आग के लिए भेज देते। तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि पेट की आग के लिए कौन कौन मारे फिर रहे हैं। तो पेट की आग के लिए बेटा सारे समाज में जितने भी हैं, चाहे नौकर है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो बनिया है, घाट है, सभी चोर नर्तक जितने भी समाज के लोग हैं वो सब जो है इस पेट की आग के लिए परेशान है। पेट की आग मीन्स इंसान की जो बहुत ज्यादा इच्छाएं हो जाती हैं, जब उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको पूरा कर पाना असंभव हो जाता है, तो फिर क्या करता है इंसान, अनैतिक कार्यों को यानी कि गैर कानूनी कार्यों को करना भी शुरू कर देता है। देखो चोर चोरी कर रहा है, नर्तक नाच रहा है, नट जो है दिखा रहा है, भाट जो है राजा के गुणगान कर रहा है, तो इस तरह से जो है, लेकिन किसके लिए है, इस पेट की आग को शांत करने के लिए। तो यहाँ तक जो है जो लोग हैं अभी आपके यहाँ बता दिया गया है, चोर चेटकी बनिया भाट जितने भी हैं ये लोग हैं ये सब पेट की आग के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप, इसी में था ना ये, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक जो कविता है, जो काव्य खंड है, इसके लेखक कौन है, आपको बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जो ये लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जब आपने सुना भी था हनुमान संजीवनी लेने गए थे उसमें वर्णन भी किया था हमने बीच में, भावार्थ भी बताया था कि रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं तो हनुमान जी जाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, फिर वैद्य सुसैन वैद्य आते हैं संजीवनी के लिए भेजते हैं उनको ही हनुमान जी को हिमालय पे, साथ में ये भी बोल देते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले आनी चाहिए। तो ये वाला जो काव्य खंड था बेटा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर है अगला क्वेश्चन, इसमें तुलसीदास जी का इसी में है कि पेट की आग शांत करने में कौन समर्थ है। पेट की जो आग है यानी कि जो हमारी अनावश्यक अपा मतलब कभी ना पूरे होने वाली है, उनको कैसे शांत किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी पेट की आग को जो है किस तरह से शांत कर सकता है कोई भी। तो अब आपने देखा है कि लोग जो है किस तरह से चोरी चकारी और झूठी तारीफें करना इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, क्यों, पेट की आग को, मतलब नैतिक और अनैतिक कार्य, मतलब सब कुछ जो है साम दाम दंड भेद अपना करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। झूठी तारीफ करते हुए भी नहीं थकते हैं, गुणगान करते हुए भी नहीं थकते हैं, नट जो है करतब दिखा रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है लोगों को करतब दिखाते हुए, किसके लिए, पेट के लिए, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन कभी ये कहते हैं तुलसीदास जी कि पेट की आग को जो है घनश्याम नाम राम रूपी राम बादल से क्या हो सकता है, शांत किया जा सकता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह राम की शरण में चला जाए, तभी जाके जो है उसके उसका उद्धार हो सकता है, यानी कि जो राम नाम रूपी बादल है जब वो बरसेगा तभी जाके ये पेट की आग शांत होगी, अर्थात जब हम ईश्वर की शरण में चले जाएंगे तो हमें सद्बुद्धि आएगी, ईश्वर हमें सद्बुद्धि देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पेट की आग है ये राम नाम रूपी बादल से जब वर्षा होगी तभी जो है शांत की जा सकती है, यानी कि जो राम नाम है उसी को लेकर के जो इस पेट की आग को शांत किया जा सकता है। अब देखो किन वर्गों के लोग जो है जीविका विहीन हो गए हैं, जीविका विहीन देखो
सब वर्ग समाज में, किसान, व्यापारी और कर्मचारी जो नौकरी पे, वो सब क्या हो गए हैं, जीविका विहीन हो गए हैं। जब कवि ने जो है अपने समाज में फैली हुई बेरोजगारी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, तो कह रहे हैं कि समाज का वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो क्या हो गए हैं, आजीविका विहीन हो गए हैं। कि किसान के पास खेती नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए नहीं है कुछ भी, और नौकरी वालों के लिए, जो बेरोजगारों के लिए जो है, कोई भी काम इस समाज में नहीं बचा है। अर्थात इस बेरोजगारी रूपी रावण ने क्या कर दिया है, दरिद्रता रूपी रावण ने क्या कर दिया है, इस समाज को पूरी तरह से जो है अपने चंगुल में ले लिया है। फिर है बेटा, तुलसीदास जी ने दरिद्रता को किस रूप में चित्रित किया है, दरिद्रता को लगा ये दशानन रूपी, मतलब दरिद्रता को जो है तुलसीदास जी ने तो ठीक है बेटा, यहां पे दरिद्रता को जो है तुलसीदास जी ने रावण के रूप में चित्रित किया है। फिर है, पेट की आग किस आग से बड़ी है, तो इसमें छोटा सा सिंपल सा आंसर है कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। फिर है अगला, तुलसीदास किस भक्ति के कवि हैं। अब यहाँ पे बेटा निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की बात आती है, तो निर्गुण भक्ति वाले जो है बोलते हैं कि ईश्वर निराकार होता है, ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होता, ये हर जगह पाया जाता है, लेकिन सगुण भक्ति वाले ईश्वर के किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो निर्गुण भक्ति वाले कवि हैं, जैसे कवि कबीर है, उन्होंने जो है किसी भी रूप, ईश्वर के किसी रूप को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं प्रत्येक चीज में ईश्वर होता है। लेकिन जो ये तुलसीदास जी है, इन्होंने जो है ईश्वर को राम के रूप में जो है चित्रित किया है, उनका मनुष्य के रूप में जो है चित्रण किया है, तो ये सगुण भक्ति के, सगुण भक्ति धारा के कवि है। फिर है बेटा, तुलसी को किस प्रकार का जीवन पसंद है। तुलसीदास जी को हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, और कहीं पे भी मंदिर और मस्जिद मिले आराम से वहां पे विश्राम करना, वहां सो जाना, समय बिताना, इस प्रकार का जीवन उनको पसंद है। यानी कि भगवान की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में रहते हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी मिले, जहां मिले सो जाना और ईश्वर की भक्ति करते रहना। ठीक, फिर है, भरत हनुमान जी से क्यों प्रभावित हुए। भरत हनुमान जी से क्यों प्रभावित होते हैं। भरत हनुमान जी से, अब आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं, तो भरत जी जो है उनको कोई ऐसा समझते हैं कि कहीं ये पहाड़ अयोध्या के ऊपर में गिरा दे, इसलिए क्या करते हैं, उनको बाण मार के धरती पे उतार लेते हैं ताकि जो है अयोध्या की रक्षा हो सके। लेकिन जब उनके मुंह से राम नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये राम भक्त है। हनुमान जी की और भरत की मुलाकात होती है, ठीक है ना, तब प्रताप प्रभु लिए। तो जब भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी, हनुमान भरत जी को कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो भरत जी इतने वीर थे, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप मेरे वाहन में बैठ जाओ, मैं आपको एक मिनट में लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आपकी और प्रभु श्री राम की कृपा से मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो भरत जी से जो है हनुमान जी इसीलिए प्रभावित हुए क्योंकि भरत जैसा भाई उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ठीक है, अपने भाई के लिए 14 साल इंतजार किया कि जब मेरा भाई आएगा तब इस राजपाट को संभालेगा। ठीक है, जबकि आजकल क्या है, आजकल तो जमीन जायदाद के लिए लोग मर जाते हैं, लेकिन भरत जैसे भाई ने क्या किया कि अपना राजपाट ठुकरा दिया, रामचंद्र जी की खड़ाऊ को जो है उनके प्रतिनिधि के रूप में रखते थे सिंहासन पे, और अपने आप बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह जीते थे, राजा के रूप में कभी नहीं रहे। 14 साल बाद जब श्री रामचंद्र जी आए तो तब रामचंद्र जी ने राजपाट संभाला, खाली उनके प्रतिनिधि थे, खाली देखते थे कि किसी को हमारी प्रजा में कष्ट ना हो। तो इसीलिए हनुमान जी भरत से बहुत प्रभावित हुए क्योंकि भरत बहुत वीर भी थे, त्यागी भी थे। वीर तो थे ही, जब उन्होंने एक ही बार में कहा कि मैं अपने बाण के ऊपर तुम्हें लंका पहुंचा दूंगा, वीरता पे भी कोई शक नहीं था। त्याग देखो, पूरा राजपाट अपने बड़े भाई के लिए क्या कर दिया, त्याग दिया है। तो इस तरह से जो है भरत से जो है हनुमान जी बड़े प्रभावित होते हैं। और अंतिम प्रश्न है बेटा, बहुत छोटा सा, कि हनुमान जी कहाँ गए थे। तो आप कहेंगे, आप लिखेंगे इसमें कि हनुमान जी
जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे शक्ति से, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी जो है संजीवनी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, आप लोग अभी बने रहेंगे।